नमस्कार, मैं भीमराव लोणारे, IBM TV9 न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं ये दिल्ली रूट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दिल्ली रूट है, ये जो है रेलवे का दिल्ली रूट है, इसी को लगकर ये एक नाला है जो कि करीब करीब 10 साल पहले बनाया गया नाला है। ये नाले के उस पार अगर मैं बताना चाहूँगा तो नाले के उस पार ये CMPDI रोड है, बजाज कॉलेज CMPDI रोड, और नाले के इस पार ये दिल्ली रूट है जो रेलवे का दिल्ली रूट है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ के जो CMPDI के जो नागरिक है उनकी एक ही मांग है कि ये जो नाला है इस पे अंडर ब्रिज बनना चाहिए। अंडर ब्रिज क्यों बनना चाहिए, तो ये जो रेलवे ट्रैक है, ये जो दिल्ली रूट है, यहाँ पे अगर अंडर ब्रिज अगर बनता है तो यहाँ से डायरेक्टली जो CMPDI में जो रहने वाले जो नागरिक है, रहवासी है, वो डायरेक्टली मानकापुर में सिर्फ पहुँच जाएंगे। यानी मानकापुर में जाने के लिए उनको करीब करीब 1 किलोमीटर ही उनको अंतर मिलेगा, और 1 किलोमीटर के अंतर में वो मानकापुर पहुँचेंगे, उनका समय बचेगा। लेकिन वही अगर CMPDI से अगर वो मानकापुर अगर की ओर जाना चाहते हैं तो 6 किलोमीटर का अंतर होता है, उनका 5 किलोमीटर अंतर बच जाता है अगर यहाँ से अगर नाले के ऊपर से अंडर ब्रिज अगर बन जाए तो। मैं आपको और एक बार बताना चाहूँगा, यही वो नाला है जिसके ऊपर यहाँ के CMPDI के जो नागरिक है उनकी एक ही मांग है कि यहाँ पे अंडर ब्रिज बनना चाहिए, और ये अंडर ब्रिज अगर बन गया तो ये जो दिल्ली रूट है रेलवे का, इस वहाँ से डायरेक्टली यानी मानकापुर जाने के लिए 1 किलोमीटर का अंतर मिलेगा। हमारे साथ में कुछ यहाँ के जो CMPDI के जो नागरिक है वो हमारे साथ में, हम उनसे जानेंगे कि ये जो है अंडर ब्रिज की जो मांग वो कर रहे हैं कितने सालों से उनकी मांग है, और ये अगर मांग अगर यहाँ से अंडर ब्रिज अगर बनता है तो उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है। हमारे साथ में इस वक्त हम आपको बताना चाहेंगे CMPDI रोड पर वो नागरिक आज हमारे साथ में हैं, हम उनसे जानेंगे कि अगर ये अंडर ब्रिज अगर बनता है तो इसका यहाँ के रहवासी को क्या फ़ायदा है। नमस्कार, मैं हेमा चेलानी। फ़ायदा बहुत है सर, फिलहाल हम लोग को इधर इटारसी पुलिया पकड़ना पड़े या मानकापुर पुलिया पकड़ना पड़े, ऑलमोस्ट हमको 7 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है वन साइड, सदर या मानकापुर जाना पड़े तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि ये अगर रोड बन जाता है, अंडर ब्रिज बन जाती है, तो सिर्फ 1 किलोमीटर में हम मानकापुर चौक पहुंच सकते हैं। तो आप समझिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पेट्रोल के जो प्राइजेस है छुपे नहीं हैं वो बचेगा, एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है वो बचेगा, जो टाइम हमारा वेस्ट होता है था घूम के जाने के लिए वो बचेगा, तो सब तरफ बचत ही बचत है सर, नुकसान कुछ भी नहीं है। कितने साल से ये आप मांग कर रहे हो इसकी? सर फिलहाल तो हम ये मांग अभी शुरू किया है जब से ये फ्लाईओवर का काम चालू हुआ इटारसी पुलिया का, हालांकि इच्छा बहुत पहले से थी, पर अब ठीक है सरकार पे इतना दबाव नहीं बनाना था इसीलिए हम तब तक नहीं कर रहे थे, पर जब से ये इटारसी पुलिया बन रही है तो हमें लगता है इसकी आवश्यकता बढ़ गई है, इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं। इटारसी पुलिया जो काम चालू है इटारसी पुलिया का, तो उसके कारण ट्रैफिक काफ़ी जाम हो रहा है, और ट्रैफिक जाम होने के कारण लोगों की एक ही मांग है कि ये जो है अंडर ब्रिज ये बनना चाहिए, क्या बताओगे? इटारसी पुलिया का काम इन्होंने जब शुरू किया था, भूमि पूजन किया था, तब इन्होंने बताया कि भाई 1-1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आ गया कि इनका प्लानिंग चेंज हो गया है, ये 3 से 4 साल भी जा सकता है और बजट भी बढ़ सकता है, और ये छोटे बजट का पुल है अपना RUB जो हम बोल रहे हैं, जो हमने डिमांड की है, ये हार्डली 1.5 से 2 करोड़ का बजट है और 1 महीने के अंदर बन सकता है, क्योंकि गडकरी साहब ने नागपुर के अंदर में 24 घंटे में भी एक RUB बनाया हुआ है। हम DRM से मिल के आए ऑफिस में, वहाँ बात करके आए, उन्होंने बताया कि हमारे पास गडर RUB के लिए तैयार रहते हैं, सिर्फ हमें परमिशन की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की परमिशन मिल गई तो हमको सिर्फ ढांचा फिट करना है और रोड काटना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्या फ़ायदा होगा? पब्लिक के लिए फ़ायदा है, आने जाने की तकलीफ़ है, पेट्रोल महंगा है, 6 से 7 किलोमीटर लगता है मानकापुर से यहाँ आने के लिए। जाफरनगर के ग्राहक जो यहाँ पे आते हैं गिरपटका में खाद खरीद करने के लिए, या मानकापुर से आते हैं, कोराड़ी से आते हैं, वो सीधा पुलिया से निकल के बड़ी निकल जाते हैं, धंधा दुकानदारों का मार खा रहा है यहाँ पे। गिरपटका में इतनी बड़ी बाज़ार है,
बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनके स्टाफ कहाँ जाएंगे? धंधा नहीं होगा तो स्टाफ को पेमेंट कौन देगा? उनके घर वाले कैसे खाएंगे? ये सब बातें सोच के हमने ये डिमांड रखी है गवर्नमेंट के आगे। ये जो डिमांड रखे, इसके लिए किसी को पत्र व्यवहार वगैरह किया है क्या? पत्र व्यवहार किया है क्या? जी हाँ, गडकरी साहब के पास हम एक डेपुटेशन लेके गए थे कि हमको ये RUB की ज़रूरत है। उनका संपूर्ण सहयोग रहा, उनका सिर्फ यही कहना था कि रेलवे NOC देती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है RUB बना के देने। तो रेलवे ने NOC नहीं दी है क्या? जी, रेलवे से हमारा संपर्क अभी शुरू है, उनसे बातचीत चल रही है हमारी, और हम चाहते हैं कि आपके सहयोग से वो जल्द से जल्द हो जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है, ये यहाँ पे जो नाला है वहाँ से अंडर ब्रिज बनना चाहिए, इसलिए यहाँ के CM PDI के नागरिकों की मांग है। ये जो अंडर ब्रिज है, ये बजाज कॉलेज है CM PDI रोड पे, जस्ट उसके सामने में ये अंडर ब्रिज बनना चाहिए, ये मांग है उनकी। अगर वो अंडर ब्रिज बनता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 किलोमीटर अंतर पर ये मानकापुर में यहाँ के रहवासी पहुँचेंगे, उनको सुविधा होगी, पेट्रोल की बचत होगी। मैं और एक आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक और मेट्रो का काम चालू है और एक और इटारसी पुलिया का काम चालू है, जिसके कारण एक ही रास्ता है, एक ही पुलिया जाने के लिए, जो कि सदर और मंगलवारी बाज़ार की ओर जाने वाला वो रास्ता है, और उसमें ट्रैफिक जाम होता है। अगर अंडर ब्रिज अगर बनता है तो इसमें यहाँ के नागरिकों को काफ़ी सुविधा होगी, उनका पेट्रोल की बचत होगी, उनका जो 6 किलोमीटर अंतर से घूम के उनको मानकापुर जाना पड़ता है वो उनका समय बचेगा, और कोई अगर आपातकालीन अगर घटना होती है तो उसका भी फायदा इन यहाँ के आपातकालीन समय में भी इन नागरिकों को इसका फायदा हो सकता है। तो मेरी एक ही प्रशासन से एक ही मांग है, रेलवे प्रशासन से, कि यहाँ के नागरिकों की मांग को देखते हुए उन्होंने इसके और गंभीरता से देखना चाहिए, और जो NOC जो है रेलवे से, जो NOC मिलना चाहिए वो NOC उन्होंने रेलवे प्रशासन ने देना चाहिए। इसके लिए इन्होंने, यहाँ के नागरिकों ने माननीय केंद्रीय मंत्री और देश के एक लोकप्रिय मंत्री नितिन गडकरी जी के पास भी गुहार लगाई है। मेरा एक कहना है नितिन गडकरी साहब से कि उन्होंने भी इनकी मांग को पूरा किया जाए, और ये जो है CM PDI बजाज कॉलेज के पास का जो अंडर ब्रिज है, जो कि मानकापुर की ओर जाएगा, जो दिल्ली रूट के करीब है, और वो अंडर ब्रिज जल्द से जल्द इन नागरिकों की मांग को लेके बनाना चाहिए। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH News। हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।